जसविंदर कौर। जिस तरह से आज यहाँ पर आई हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा भारत ही एक जगह पे देखने को मिल गया। जिस तरह से 150वां वर्षगांठ अपने देश में मनाया जा रहा है, हाँ जी, पूरा जो है विश्व में अगर कहा जाए तो भी मनाया जा रहा है, तो इसके लिए आप महात्मा गांधी जी के सेलिब्रिटीज को लेकर जो अक्टूबर जो नहीं देखिए, महात्मा गांधी के जो असूल थे, जो विचार थे, अगर हम उनको मानते रहेंगे तो सब अच्छा है भारत के लिए। और क्या बताना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगी कि अगर आगे तरक्की करनी है तो हम अपने धर्म भाषा ये सब भेदभाव छोड़ के एक साथ काम करेंगे तो भारत सबसे ऊपर हो जाएगा विश्व में। एकता अखंडता के लिए आज पूरा जो है अपना ऐतिहासिक जो है सबसे बड़ा इतिहास रहा है भारत का। हाँ। आज जो है देश विदेश के लोग अपने देश का सांस्कृतिक सीखने आते हैं, अपने देश का भाषा सीखने आते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहती हो और लोगों का क्या राय होना चाहती है? हमें अपनी भाषा पर तो गर्व होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग सीखते हैं, बाहर के लोग सीखते हैं, बहुत लोग सीखते हैं, तो हमें तो सिर्फ अपनी भारत जो मातृभाषा को भी साथ में सीखना चाहिए, राष्ट्रभाषा मातृभाषा दोनों का सम्मान करना चाहिए। जी, वुमेन पावर को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? आप एक सीनियर सिटीजन हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? वुमेन पावर तो सुप्रीम पावर है, मैं तो यही बोलूँगी। बिल्कुल अच्छा, चलते चलते आप इन्वायरमेंट के लेके, जिस तरह से पॉलिथीन जो है बंद हुआ है 2 अक्टूबर से, अब जो है आप क्या बताना चाहते हैं? जैसे बहुत सारी बीमारियां होती थी ना। हाँ जी, क्या उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, पॉलिथीन का यूज़ बंद होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी हमारा माहौल में आ चुका है तो उसको भी तो रोकना पड़ेगा ना। या तो उसको हम रिसाइकल करें, रिसाइकल करने से भी नुकसान है, तो कुछ उसका सोचे रीयूज़ करें। जैसे कभी मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग उसका टाइलें वगैरह बना रहे हैं, तो इस तरह से अगर हम रीयूज़ करेंगे तो कम से कम वो कुछ महीना, 6 महीना, साल, 2 साल के लिए तो डस्ट वो कचरे के ढेर को नहीं ना बढ़ाएगा, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पॉलीथीन बंद करने से नहीं कुछ हो जाएगा। तो मेरे विचार से तो ये कि जो जितना बाहर निकल चुका है उसको भी हमने पर्यावरण को बचाने के लिए उसको भी हटाना पड़ेगा पहले। ठीक है, आप क्या काम करें? मैं बस एक हाउसवाइफ भी कह सकती हूँ मुझे, मैं पर्यावरण के लिए भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ अपनी तरफ से। जी, तो पर्यावरण के लेके जब आपने बात किया तो आपने कितना पेड़ लगा दिए अभी तक? सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता, पेड़ लगाने से क्या है, बहुत बार होता है पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन उसके बाद जाके कौन देखता है कितने पेड़ बच गए। तो सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं, मैं इसको रिसाइकल रीयूज़ करने में विचार कर मैं काम कर रही हूँ। मैं प्लास्टिक को कैसे है एटलीस्ट 6 महीने, साल, 2 साल के लिए डस्टबिन तक जाने से रोक लें, जो ऑलरेडी हमारा आ चुका है, मैं उस पर काम करती हूँ। जी, चलते चलते एक पर्यावरण के लिए आप थोड़ा सा बताइए देशवासियों को, जागरूक होते हैं। देखिए, पर्यावरण को अगर सुधारना है तो सिर्फ किसी एक का काम नहीं है, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। हर एक नागरिक को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको काम करना पड़ेगा। अगर हम बोलिए कि किसी भी राज्य सरकार या किसी का जिम्मेवारी है तो ऐसा नहीं है, हमें सबको मिलके करना पड़ेगा। तो बस आखिर में मैं तो यही कहूँगी, अगर मिलके चलेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।